और भाइयों कैसा लगा मेरा साइकिल पर वजन ढोने का तरीका, साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका। कमर पर वजन ढोते ढोते परेशान हो गए थे अपना लोग। मैंने सोचा क्यों ना सब लोग अपना एक एक साइकिल खरीद ले और साइकिल पर बोरा ढोकर पैसा कमाया जाए। अरे अखिलेश तुम तो साइकिल चलाने में माहिर हो, तुम इतने पीछे कैसे रह गए? अरे मोदी जी किसी को आपका तरीका पसंद आया हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे साइकिल पर इतना वजन ढोते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इतने भारी भारी तीन तीन बोरे कौन रख पाता है साइकिल पर? तुम्हें पता है मैं पीछे क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि मेरी साइकिल का टायर फट चुका है। सही कह रहे हो अखिलेश, मुझे भी साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जितने की अपना मजदूरी नहीं करते उससे ज्यादा तो साइकिल में नुकसान हो जाता है। क्योंकि ये मोदी जी अपनी साइकिल पर तीन तीन बोरे रखते हैं, तो उन्हें देखकर हमें भी तीन तीन बोरे रखना पड़ते हैं। अपने साइकिल पर इतने भारी भारी तीन बोरे रखते ही साइकिल का टायर फट जाता है। लालू जी अखिलेश तुम्हारी साइकिल का टायर फटेगा नहीं, जब इतनी कमजोर साइकिल खरीदी है तुमने। तुमने 1500 रुपए वाली साइकिल खरीदी है जबकि हमने 2000 रुपए वाली साइकिल खरीदी है। हम अपनी साइकिल पर कितना भी वजन लाद ले कोई दिक्कत नहीं होती है, न टायर फटता है न कोई नुकसान होता है। भाई मोदी जी किसी को आपका आइडिया पसंद आया हो ना आया हो, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। जब से आपने साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका सुझाया है तब से मैं दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा हूँ। पहले मैं कमर पे बोरे ढोके मुश्किल से 100 रुपए दिन कमाता था, आज मैं 300 रुपए दिन कमाता हूँ साइकिल पर बोरे ढोकर। जब कमजोर साइकिल खरीदोगे तो नुकसान तो होगा ही। वैसे मैंने भी आज अपनी साइकिल पर बहुत भारी बोरे लाद लिए, मुझसे साइकिल खिंच नहीं पा रही है। अरे मोदी जी योगी जी आपको ये साइकिल पर बोरे ढोकर मजदूरी करने का काम अच्छा लगता है? भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मैं अखिलेश और लालू जी का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। पहले तो कई जगह से पैसे उधार लेना पड़े इस साइकिल को खरीदने के लिए। एक महीना होने को जा रहा है मजदूरी करते करते, अभी साइकिल का उधार नहीं चुका पाया हूँ मैं। अगर मैंने साइकिल नहीं खरीदी होती तो मैं जो भी मजदूरी करता मेरी होती। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।